हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुड़ से बनने वाली मिस्टी दोई की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो दोस्तों, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मिस्टी दोई बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध। यहाँ पर लिया मैंने 1/3 कप जैगरी यानी गुड़। यहाँ पर लिया मैंने 1/2 टीस्पून कार्डमम पाउडर यानी इलायची का पाउडर। यहाँ पर लिया मैंने 2 टीस्पून दही। तो दही मैंने थोड़ा गाढ़ा लिया है। तो अब गैस पर मैंने चढ़ा दिया एक पैन, इसमें डाल दूंगा मैं दूध। तो इसमें मैंने दूध को डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम कर देंगे। तो इस दूध को हमें चलाते रहना है और इसको हमें बॉईल आने तक इसी तरह चलाते रहना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आ चुका है। तो अब इस दूध को हमें रिड्यूस करना है 1/4। तो दूसरी तरफ हम बना लेंगे हमारा चाशनी यानी गुड़ की चाशनी। तो एक पैन में मैंने डाल दिया है गुड़, इसमें डाल दूंगा मैं 3-4 टेबल स्पून पानी। तो इस गुड़ को और पानी को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है, यानी गुड़ को हमें पानी के साथ अच्छे से मेल्ट कर लेना है और गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो बीच बीच में हम दूध को भी चेक करते जाएंगे, नीचे लगना नहीं चाहिए। तो हमारी जो गुड़ की चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। तो मेरी चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैं चाय की जो छलनी होती है उससे छान कर तैयार कर लूँगा। तो चाशनी को मैंने छान लिया है, तो इसको अब हम साइड में रख देंगे। तो हमारा दूध जो है वो भी 1/4 रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इस दूध को हमें ठंडा होने देना है। तो ये हमारा दूध है ठंडा हो चुका है, पर ये हल्का सा गर्म है यानी वार्म है। तो हम अगर उंगली डालें तो ये हमें हल्का सा गर्म महसूस हो। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं इलायची का पाउडर और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं हमारा गुड़ का चाशनी, इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो गुड़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 2 टीस्पून दही। तो दही डालने के बाद इसको हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मिस्टी दोई को सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह के कूलर लिए हैं, ये कूलर वाले कप होते हैं। तो इनके अंदर डाल दूंगा मैं हमारा मिस्टी दोई का मिक्सर। तो अब इन कूलर को मैं एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दूंगा। तो अब इसको मैं 8-10 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो ठंड के मौसम में आप इसको किसी गर्म जगह पर रख दें 10-12 घंटे के लिए। तो एक रात के बाद हमारी जो मिस्टी दोई है वो जमकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी मिस्टी दोई एकदम अच्छे से सेट होकर तैयार हो चुकी है। तो इसका एल्यूमिनियम फॉइल को हमें हटा लेना है। तो मिस्टी दोई को आप सर्व करने से पहले इसे 1-1.5 घंटे तक फ्रिज में चिल कर सकते हैं और उसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसे मैंने चिल कर लिया है, यानी इसे ठंडा कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको मिस्टी दोई का टेक्सचर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी मिस्टी दोई बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।